आप सभी को दासकी प्यार भाई नमस्कार और धन्यवाद। मनुष्य इस भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, अपनी मनुष्य जाति को तमाम सुख, तमाम आराम, तमाम समृद्धि प्रदान करने के लिए इसने निरंतर प्रयत्न किया, तमाम आविष्कार किए और आगे भी करेगा। परंतु एक तथ्य कि यदि इस भूमंडल पर सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा व्यथित कोई जाति है तो वो केवल और केवल मनुष्य ही है। आज के वीडियो में हम इस विषय पर नहीं जाएंगे कि मनुष्य परेशान क्यों है, व्यथित क्यों है, दुखी क्यों है। आज के वीडियो में हम जाएंगे कि इस भूमंडल पर मनुष्य को सबसे उत्तम प्राणी क्यों कहा गया है, यद्यपि वो तमाम बुरे काम करता है, यद्यपि उसके अंदर कोई भी ऐसा अतिरिक्त गुण नहीं है जो अन्य किसी पशु पक्षी में या किसी दूसरी जाति में नहीं है। आइए सबसे पहले देखें कि मनुष्य और पशु किन चीजों में बिल्कुल समान है। प्रेम मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। मोह मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। क्रोध पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त और कई बातें आप जानते हैं दास से बेहतर कि मनुष्य और पशु जिनमें बिल्कुल समान है। लेकिन ये बातें अब जो दास आप जी के चरणों में रखने जा रहा है ये सिर्फ मनुष्य करता है, पशु पक्षी कीट पतंगे इन्हें बिल्कुल भी नहीं करते। बेईमानी, धोखेबाजी, अन्याय, नफरत, निंदा, ईर्ष्या, घृणा, कपट, छल ये काम केवल मनुष्य करता है, पशु पक्षियों से इनका दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। और मनुष्य फिर भी सर्वश्रेष्ठ प्राणी, आखिर क्यों? और इस तरह के तमाम बुरे कर्म, तमाम पाप कर्म करके मनुष्य जाता है अधोगति की तरफ, निम्न योनियों की तरफ। पशु नहीं जाते क्योंकि वे तो ये काम करते नहीं है। पशु जाते हैं उच्च योनि, मनुष्य योनि की तरफ, और इंसान जाता है पाश्विक कीट पतंगों और पशु पक्षियों की योनियों की तरफ। फिर भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। अब कुछ और बातों को ले लीजिए। मनुष्य की हर चीज की तुलना किसी न किसी पशु पक्षी से की गई है, पशु पक्षियों की तुलना मनुष्य से कभी नहीं की जाती। अब विद्यार्थी को ही ले लीजिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब इसके साथ साथ मोरनी जैसी चाल, कोयल जैसी आवाज, हिरनी जैसी आंखें, शेर जैसी ताकत, घोड़े जैसी शक्ति, खरगोश जैसी फुर्ती, चीते जैसी तेजी, फिर भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, आखिर कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। रीजन है, रामचरितमानस में एक स्थान पर लिखा है, निंद्रा भोजन भोग भय इह पशु पुरक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। यदि मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो फिर पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। निंद्रा भोजन भोग भय ये सब मनुष्य में और पशु में समान ही है। ज्ञान अधिक है मनुष्य में पशुओं से, इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कौन सा ज्ञान? क्या नफरत करने का, क्या निंदा करने का, क्या चोरी डकैती लूट रेप करने का ज्ञान, पाप करने का ज्ञान? नहीं, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर विवेक है, वो जानता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। जो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकता ना, उनमें भेद नहीं कर सकता ना, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य योनि में आकर के पशुओं से भी बदतर है, पशुओं से भी निम्न है, पशुओं से भी नीच है। इसीलिए तो कहा है ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ऐसे मनुष्य संसार में पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य बनो मनोर्भव। और आप जानते हैं कि मनुष्य बनने की सबसे पहली पाठशाला तो होता है हमारा घर, हमारा परिवार। बचपन तो बिल्कुल निर्दोष होता है, निश्चल। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर वो पाप कर्म क्यों करने लगते हैं, गलत कर्म क्यों करने लगते हैं? इसके पीछे कारण है उनकी गलत संगति।
बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वो घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर निकल करके उसे किसी ना किसी का संग तो करना ही पड़ता है, संग तो मिलता ही है, और दुर्भाग्यवश यदि उसे गलत संगति मिल जाए तो वहीं से शुरू हो जाता है उसका पतन। उसमें आसक्तियां पनपने लगती हैं और फिर उनकी पूर्ति के लिए वो गलत कर्म करने आरंभ कर देता है। यहीं से होता है पाप का आरंभ। माँ बाप अपनी व्यस्तता के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाते, बनना क्या था और वो क्या बनता चला जाता है। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला था, मनुष्य जन्म मिला था श्रेष्ठ कर्म करके देवताओं की श्रेणी में जाने के लिए, या फिर इससे भी आगे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में मिथ्या दोष लगाएंगे समय पर, ईश्वर पर और अपने कर्मों पर, कि स्वयं और अपने बच्चों को सत्संग की तरफ लेकर के चलो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। हम स्वयं सुधरेंगे तो हमारे बच्चों में अपने आप ही सुधार आना आरंभ हो जाएगा। यदि हम गलत मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे तो हमारे बच्चों में भी वो आदत पनपेगी। इसलिए पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो, अभी से प्रण करें कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उनका परित्याग कर देंगे, और इस मनुष्य जन्म को जिसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इसकी कीमत हमें इसी जन्म में डालनी है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद।